हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर बायो क्लास और बच्चों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में तो कल बच्चों हमने जो हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने डिस्कस किया था आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में तो चलिए बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग होती क्या है हाँ बच्चों सब उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रीडिंग है एनिमल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा रहता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इसके लिए पीछे हमारा पर्पस क्या है बच्चों एनिमल ब्रीडिंग हमारा आ, एम है जो एक है एनिमल्स की उसको इंक्रीज़ करती है जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है उन्हें इंप्रूव करती है जिससे प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ हो तो यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के कैरेक्टर्स हमारे एनिमल्स की ब्रीड को सेलेक्ट करते हुए हमें ध्यान में रखने होते हैं और जो सलेक्शन है कैरेक्टर्स का क्या वो एनिमल्स की चॉइस के अकॉर्डिंग डिफर करेगा तो ये सारा हम आज पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले बच्चों हमें समझना है जो ब्रीड टर्म है उसका मतलब क्या होता है ब्रीड का मतलब क्या होता है बच्चों ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय मतलब कि जो पूर्वज हैं उनसे रिलेट करें एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपियरेंस फीचर्स साइज कॉन्फिग्रेशन एटसेट्रा आर सेट टू बिलोंग टू अ ब्रीड यानी कि ब्रीड में हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूड होता है जो रिलेट करते हैं डिसेंटली भी और साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनके जो एक्सटर्नल अपेयरेंसेज हैं फीचर साइज ये सारी चीज़ें भी जो बिलोंग करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे ब्रीड कहेंगे ऐसे ही कुछ कॉमन हम कैटल के और पोल्ट्री फॉर्म्स में हम ब्रीड को डिस्कस करने भी वाले हैं जैसे यहाँ पर इम्प्रूव ब्रीड दी हुई है कैटल और चिकन कैटल की जर्सी एंड चिकन की लेगोन्स यहाँ पर जैसे हमें नाम फाइंड आउट करने के लिए कहा था तो जर्सी और लेगोन हमारे यहाँ पर दो ब्रीड दी भी हुई है बच्चों दो तरीके से हम ब्रीडिंग पढ़ने वाले हैं इन ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग जब अगर सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग होगी तो उसे हम कहेंगे इन ब्रीडिंग और अगर डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स के बीच में क्रॉसेस होगी तो उसे हम कहेंगे आउट ब्रीडिंग ओके तो चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसे पहले हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग की तो इन ब्रिडिंग बच्चों रेफर करता है मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर फोर टू सिक्स यानी कि लगभग लगभग फोर टू सिक्स जनरेशन से सेम ब्रीड उनकी चलती आ रही है काफ़ी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग होगी उनके बीच की मीटिंग को हम क्या कहेंगे इन ब्रीडिंग बच्चों हम कहेंगे जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज है कि क्या फॉलो करने वाले हैं हम यहाँ पर मेल्स हैं वो भी हम सुपीरियर लेंगे और सुपीरियर फीमेल्स ही हम यहाँ पर लेंगे सेम ब्रीड का आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उन्हें पेयर्स में उनकी मीटिंग करवाएंगे उसके बाद बच्चों जो हमें प्रोजेनी यहाँ से मिलेगी इस तरह की मीटिंग से जो हम इवेलुएट करेंगे वो भी हमारी क्या होगी सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स की प्रोजेनी हमें मिलने वाली है फर्दर उनके अंदर से हम जो सुपीरियर मेल और फीमेल उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और फर्दर उनकी मेटिंग करवाएंगे सुपीरियर फीमेल बच्चों किस तरह से हम जैसे मान लो भी काओ बफेलोज है इनके बीच में से कैसे हम सुपीरियर फीमेल को फाइंड आउट कर सकते हैं कैटल्स के केसेज में तो बच्चों जैसे मान लो इसको हम एक क्राइटेरिया लेते हैं मोर मिल्क पर लैक्टेशन यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन है इस बेसिस पर जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है सुपीरियर फीमेल उसे हम कंसिडर करेंगे और सुपीरियर मेल जैसे मान लो बुल है उसे कैसे हम कंसिडर करेंगे कि सुपीरियर है या इनफीरियर है विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजानी एज कम्पेयर टू दो ऑफ़ अदर मेल्स यानी कि जो दूसरे मेल्स के कम्पेयर में सुपीरियर प्रोजैनी देगा उसे हम सुपीरियर मेल की कैटेगरी में रखेंगे तो सुपीरियर फीमेल हम मिल्क प्रोडक्शन के बेसिस पर और सुपीरियर मेल है जो हम उन्हें सुपीरियर प्रोजैनी प्रोड्यूस करने के बेसिस पर यहाँ सेपरेट आउट करेंगे रिकोग्नाइज करेंगे उसके बाद इनमें हम मीटिंग करवाएंगे साथ में बच्चों यहाँ पर होमोजाइगोसिटी एक टर्म आई है यानी कि एक हम सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं डेवलपिंग प्योर लाइंस इन कैटल एज वी यूज इन केस ऑफ पीज जैसे हमने मैंडल का पी का जो केस हमने पढ़ा था टेंथ क्लास में ऐसे ही और अभी भी हमने डिस्कस किया था ट्वेल्थ में भी पढ़ा था तो बच्चों इसमें होमोजाइगो होमोजाइगोसिटी क्या रहेगा हमारा यानी कि एक प्योर लाइन हम लेके चल रहे हैं सेम काइंड ऑफ स्पीशीज में हम करवा रहे हैं सेम ब्रीड के अंदर जैसे हमने अभी डिस्कस किया फोर टू सिक्स जनरेशन के अंदर तो उसे ही हम क्या कहेंगे होमोज इगोसिटी यानी कि कोई भी वहां पर डिफरेंस नहीं आ रहा है और इन ब्रीडिंग से बच्चों होमोजाइगोसिटी हमारी इंक्रीज होती है नोट कर लेना इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनी एनिमल तो बच्चों जो इन ब्रीडिंग है साथ में एक प्लस पॉइंट हमारा ये रहता है जो इन ब्रीडिंग है उसके टाइम पर ये हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज कर देती है जिनका एलिमिनेशन हो जाता है सिलेक्शन के टाइम पर जब हम सुपीरियर मेल फीमेल को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इन ब्रीडिंग में जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं साथ में ये हेल्प करती है इन एक्यूमिलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिज़ायरेबल जीन्स यानी कि जो सुपीरियर जीन्स है उन्हें एक्यूमलेट करने में हेल्प करेगी और जो लेस डिजायरेबल जीन्स है उन्हें एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी तो ये जो अप्रोच है बच्चों कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है हर एक स्टेप पर जिससे जो इन ब्रिड पॉपुलेशन है बच्चों उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी साथ में बच्चों अगर हम इन को कंटिन्यू करते हैं स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग को तो वहाँ पर हम देखते हैं जो फर्टिलिटी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है ठीक है ये नोट करना है फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है कुछ टाइम के बाद और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है जिसे हम इन ब्रिडिंग डिप्रेशन बोलते हैं यानी कि ये हमारी एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई इसे नोट करना इन ब्रिडिंग डिप्रेशन इन ब्रिडिंग डिप्रेशन क्या होता है अगर काफ़ी टाइम तक हम इन ब्रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और क्लोज़ इन ब्रीडिंग स्पेशली हम बात करें तो उनके अंदर जो फर्टिलिटी है बच्चों और जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है जिसे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहेंगे

इससे क्या होगा हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में और य को भी इम्प्रूव करने में अब इसके अंदर भी बच्चों हम तीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग यानी कि इस तरह की कंडीशन अगर आ जाती है तो हम कैसे उसे सॉर्ट आउट करेंगे या हम बात करते हैं चलो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि उसको हम सुपीरियर मेल है अनरिलेटेड सुपीरियर सुपीरियर मेल है या फीमेल है एनिमल को हम ब्रीड करवा सकते हैं सेम ब्रीड से क्रॉस करवा सकते हैं उसके बाद हम चलिए बात करते हैं ब्रीडिंग की तो ब्रीडिंग क्या है बच्चों इसके अंदर ऐसी अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच की ब्रीडिंग होती है विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रिड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर फोर टू सिक्स जनरेशन यानी कि जो हम ब्रीड तो सेम ही होगी नस्ल तो सेम होगी बच्चों लेकिन पिछले चार से छः जनरेशन में उनके कॉमन एनसेस्टर्स एनसेस्टर्स मतलब कॉमन पूर्वज नहीं है उनके आउट क्रॉसिंग जिसे हम कहेंगे और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स या फिर डिफरेंट ब्रीड हम लेंगे जिसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे और डिफरेंट स्पीशीज या जिसे हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे उसके बाद है हमारा आउट क्रॉसिंग आउट क्रॉसिंग क्या होगा आउट क्रॉसिंग में होगा बच्चों दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड यानी कि यहाँ पर सेम ब्रीड की हम बात करें यहाँ हमारी डिफरेंट ब्रीड सेम ब्रीड भी हमने ली ले थी लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में और डिफरेंट ब्रीड भी ली थी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में लेकिन यहाँ क्या है सेम ब्रीड के बीच में हम बात करें आउट क्रॉसिंग में बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पैडिग्री अप टू फोर्टी सिक्स जनरेशन यानी कि पैडिग्री एनालिसिस भी हम ने डिस्कस किया था कि अगर हम एनसेस्टर्स एनसेस्ट्रल स्टडी करते हैं तो बच्चों इसमें हमें देखना है कि चार से छः जनरेशन्स तक नियर अबाउट फोर टू सिक्स जनरेशन तक कोई कॉमन एनसेस्टर्स ना हो जो ऑफ स्प्रिंग होंगे ऑफ सच अ मीटिंग इज़ नॉन एज एन आउटक्रोस तो जो हमारे ऑफ स्प्रिंग जो यहाँ पर न्यू uh, uh, हम कह सकते हैं जो न्यू uh, एक फेज हमें या न्यू जनरेशन जो हमें मिलेगी मीटिंग से उसे हम आउटक्रोस कहेंगे इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मैथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन जो एवरेज प्रोडक्टिविटी से दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी यानी कि कहीं ना कहीं वो एवरेज से भी थोड़ा कम है मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट में बीफ कैटल एट्सेट्रा ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ओके ए सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन लेकिन कहीं ना कहीं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हमें सॉर्ट uh, आउट करने में हमें काफ़ी हेल्प करता है आगे हम बात करते हैं बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग की क्रॉस ब्रीडिंग हमारा क्या होगा इस मेथड के अंदर सुपीरियर मेल्स हैं एक ब्रीड के उनको उनकी मेटिंग करवाई जाती है सुपीरियर फीमेल्स के साथ ही लेकिन दूसरी ब्रीड की सुपीरियर फीमेल्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग में बच्चों क्या होगा ये डिजायरेबल क्वालिटीज़ हैं जो अलग अलग डिफरेंट ब्रीड्स की उन्हें क्रॉस क्रॉसिंग करने में अलाव करती है कंबाइन करने के लिए अलाव करती है जो प्रोजानी है हाइब्रिड एनिमल्स की मे दमसेल्स बी यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानि कि उन प्रोजाइने को हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली uh, हम साथ में क्या कर सकते हैं दे मे भी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इन ब्रिडिंग एंड सेलेक्शन टू डिवेलप न्यू स्टेबल ब्रिड्स दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग यानी कि साथ में ही हम कुछ इनब्रीडिंग की uh, कुछ नई फॉर्म्स हैं और साथ में ही हम न्यू स्टेबल ब्रिड्स को हम यहाँ से डवेलप कर सकते हैं uh, मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रिज जो हो सकती हैं कि जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं ब्रिड्स उनमें सुपीरियर हूँ मैनी न्यू एनिमल ब्रिड्स हैव बीन डेवलप्ड बाई दिस अप्रोच और कई हमें नई नई जो एनिमल ब्रिड्स हैं हमें यहाँ से ऑप्टेन भी हुई हैं हिजारडिल हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो हमारी एक न्यू ब्रिड है शिप की डिवेल्प इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बिकानेरी यूज एंड मैरियनो रैम्स ठीक है जो हमारी इन दोनों की क्रॉसिंग से हमें मिली है किसके बीकानेरी यूज़ एंड मैरियनो रैम से हिजार डेबल हमारी एक शीप की न्यू ब्रिड ये ध्यान रखना है आपने एग्जाम्पल क्रॉस ब्रिडिंग का ध्यान रखना है इसे नोट कर लेना उसके बाद बच्चों आता है हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों क्या होता है इस मेथड में मेल और फीमेल एनिमल्स हैं जो दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के उनकी मेटिंग होती है यानी कि मेल और फीमेल दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ के जो रिलेट करती हैं लेकिन डिफरेंटली रिलेट करती हैं वो स्पीशीज़ कुछ केसेस में जो प्रोजानी है बच्चों वो कम्बाइंड फीचर हम देखने कम्बाइंड डिजायरेबल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही पेरेंट्स के और कई बार uh, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी काफ़ी रहती है लाइक म्यूल यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं म्यूल तो बच्चों इसमें हमारा क्या होता है ये आपने uh, खुद से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करना है कि ये किन का हमारी जो क्रॉस जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि किन किन एनिमल्स के बीच की क्रॉसिंग हमारी है मैं आपको हिंट दे देती हूँ जो एस और डोंकी ठीक है यानी कि जो एस डोंकी है या हम कह सकते हैं कि हॉर्स यानी कि हॉर्स और एस आपने ध्यान रखना है ये दो एनिमल्स हैं इनमें से एक का हम एक मेल या फीमेल ये हमारा हो ही गया तो एक हम मेल स्पीशीज लेंगे और एक फीमेल स्पीशीज लेंगे हॉर्स और एस में से उसमें जो हमारी प्रोजैनिंग आएगी उसे हम क्या कहेंगे म्यूल हम कहेंगे ठीक है साथ में बच्चों कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में हम आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन का भी यूज करते हैं ये भी ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ जाता है वॉट इज आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन इसमें क्या करते हैं बच्चों जो सीमेंस हैं उनको कलेक्ट करेंगे हम सीमेंस को कलेक्ट करेंगे मेल कैंडिडेट से जो मेल स्पीशीज uh, है हमारी उससे और उसके बाद एज अ पेरेंट जिसे हमने चूज़ किया और उसके बाद उसे इंजेक्ट कर देंगे इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर और उसके बाद जो हमने फीमेल को सेलेक्ट किया है क्रॉसिंग के लिए उसके अंदर हम इन सीमेंस को इंजेक्ट कर देंगे अब जो सीमन है बच्चों जो हमने लिए थे उनको इमिडिएटली हम ऑफ इमीडिएटली uh, या तो हम उन्हें इंजेक्ट कर दें या उन्हें हम फ्रोजन उन्हें हम फ्रीज करके रखेंगे जब तक हमें ज़रूरत है तब तक इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड और इसको फ्रोजन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है जहाँ भी हमारी जो फीमेल है जहाँ भी हमें ये जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हमें करनी है जिन जिन स्पीशीज़ के बीच में तो जो भी फीमेल को हमने सेलेक्ट किया है जहाँ भी वो रह रही है वहाँ तक हम उन्हें फ्रोजन फॉर्म में सीमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से बच्चों जो डिजायरेबल मीटिंग्स होंगी जो डिजायरेबल मीटिंग्स होंगी वो हम कैरी आउट कर सकते हैं आर्टिफिशियल जो इंसामिनेशन है साथ में ही हमें काफ़ी नॉर्मल मीटिंग्स की प्रॉब्लम से को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है मतलब कई बार ऐसा होता है फीमेल गैमेट हमारे कैपेबल नहीं है या मेल गैमेट हमारे कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है साथ में बच्चों जो सक्सेस रेट है क्रॉसिंग मेच्योर मेल और फीमेल के बीच में काफ़ी लो रहा है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो हमने देखा तो बच्चों इसके हमने क्या किया कि अगर हमें इम्प्रूव करना है सक्सेसफुल प्रोडक्शन अगर हमें हाइब्रिड्स के देखनी है तो हमने दूसरा तरीका यहाँ पर यूज़ किया जिसको हमने बोल दिया मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एम ओ ई टी मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ध्यान देना है ये भी हमारा काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम है जो जिससे हमने देखा कि हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हाइब्रिड स्पीशीज़ को आ, ब्रीड जो हमें मेटिंग करवानी है उसके अंदर इस मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं काव इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स होर्म, विद एफ लाइक एक्टिविटी यानी कि काव है उसके अंदर हमने हार्मोन्स को कुछ इंजेक्ट किया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये होते हैं इनको इंजेक्ट कर दिया टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचोरेशन ताकि फॉलिकल्स की मैचोरेशन हो वहाँ पर और सुपर ऑबिलेशन वहाँ पर हो इंस्टीड ऑफ वन एग विच पर साइकिल यानी कि एक एग के कंपेयर में वहाँ पर जो ऑबिलेशन है एग्स की वो ज़्यादा हो नॉर्मली हर एक साइकिल में वन एग तो रिलीज होगा ही तो इससे क्या होगा बच्चों जो एफ हमने, हमने इंजेक्ट किया जो फॉलिकुलर स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन हमने इंजेक्ट किया फॉलिकल जो हमारे हैं जल्दी मेच्योर होंगे ज़्यादा एक्स की प्रोडक्शन होगी नियर अबाउट सिक्स टू तो एट एक्स वो एक साइकिल में प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे अब जो एनिमल है इधर मेटेड विद एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड यानी कि या तो uh, जो नॉर्मल तरीके से है या तो uh, उस तरीके से यहाँ पर मेटिंग हो या फिर आर्टिफिशियली जो सीमन से उसके अंदर इंजेक्ट किए जाए तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे बच्चों वो एट टू थर्टी टू सेल्स तक स्टेजेस यानी कि फीमेल के अंदर ही सपोज करो यहाँ पर जो एग्स हैं वो प्रेजेंट हैं ठीक है या तो डायरेक्टली यहाँ से सीमन को इंजेक्ट कर दिया गया या नॉर्मल तरीके से सीमन यहाँ पर मेटिंग के टाइम पर पहुँच गई हैं तो नियर अबाउट जो ये एक एग है ये एट टू थर्टी टू सेल्स तक एट टू थर्टी टू सेल्स तक तो ये uh, इसको हम uh, यहीं uh, जो फीमेल है उसी के अंदर हम यहाँ इसको ग्रोथ करने देंगे उसके बाद uh, इन्हें रिकवर कर लिया जाएगा नॉन सर्जिकली यानी कि यहाँ से अब इनको उठाएंगे इनको एकदम से यहाँ से पिक कर लिया जाएगा और जो सरोगेट मदर्स हैं यानी कि किसी दूसरी फीमेल के वॉम्ब के अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी इस एट टू थर्टी टू सेल्स के एग को समझ रहे हो इस एक फीमेल के अंदर ये प्रोसेस हमारी सारी हुई जो हेल्दी है जिसको एग्स को कैरी आउट करने में या फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसके बाद हमने इसे सरोगेट मदर के अंदर इंजेक्ट कर दिया है तो जो जेनेटिक मदर होगी इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर सुपर अब ये दूसरे अनाउंड के लिए फिर से तैयार है टू एग्स को फिर ये पर साइकिल प्रोड्यूस कर सकती हैं तो इस टेक्नोलॉजी से बच्चों हमने काफी uh, देखा कि जो कैटल शिप रैबिट्स बफेलोज मेयर्स हैं इनके अंदर इस टेक्नोलॉजी को हमने काफी डिमॉन्स्ट्रेट uh, किया हाई मिल्क युड्स हैं जो फीमेल्स की और हाई क्वालिटी लाइक हाई क्वालिटी मतलब लीन मीट विद लेस लिपिड लिपिड कम है लेकिन काफी अच्छा मीट प्रोडक्शन हो रहा है मिल्ट की जो है वो भी काफी अच्छी है तो हमने देखा यहाँ पर काफी जो इंक्रीज है यहाँ पर हमने के अंदर वो ऑब्जर्व किया बुल्स कि ओवरऑल आपने क्या समझना है मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो हमारी टेक्निक है उसके अंदर हमने फीमेल के अंदर वो इंजेक्ट किया पहले तो एफ एस एच होर्मोन बच्चों हमने इंजेक्ट किया फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिसकी वजह से क्या हुआ एक एग जो पर साइकिल प्रोड्यूस हो रहा था उसके बजाय अब टू एग्स हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगे अब से इंजेक्ट किए तो या तो आर्टिफिशियली या नॉर्मल मेटिंग से से यहाँ पर इंजेक्ट हुए उसे क्या हुआ अब सीमेंट्स आते ही क्या होगा यहाँ पर आ, ध्यान से देखना अब यहाँ पर सपोज करो वो एट या जो सिक्स या एट एग्स हैं हमारे एग्स है, यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है तो सीमेन इंजेक्ट होते ही क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा और इनके अंदर डेवलपमेंट हर एक एग के अंदर वो जो डेवेलपमेंट शुरू हो जाएगी और ये जो डेवलपमेंट है एट टू थर्टी टू सेल तक यानी कि आठ से बत्तीस सेल की जो स्टेज है तब तक तो इसके अंदर होगी उसके बाद वन बाय वन इनको यहाँ से रिमूव करके और सरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर से जो ये फीमेल है तैयार है दोबारा से सुपर ओवल्यूशन के लिए दोबारा से उतनी एग्स की प्रोडक्शन के लिए ओके okay? तो आज बच्चों आपने ये पढ़ लेना है टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कल हम बी कीपिंग की बात करेंगे यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट है तो आप बता देना उसे हम कल के जो टॉपिक है उसमें हम मर्ज करके डिस्कस कर लेंगे ओके okay? तो यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लेना है कल हम बी कीपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे